हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको यहाँ पर गले का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े पर 8 इंच लंबाई का और 4 इंच की गहराई का बॉटनेक ड्रॉ कर लिया है और इसे मिडल लाइन पर कुछ इस तरह से बिछा के हमें पिनअप कर लेना है। तो अगर आपके पास यहाँ पर कैनवास नहीं है तो आप कुछ इस तरह से गला ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से पिनअप कर लिया है ताकि ये हिले ना। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो कट लगाने के बाद इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके उसकी एज पर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर अंदर की तरफ भी सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये बॉटनेक तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 2.5 बाय 2.5 इंच का बुकरम के 3 पीस लिए हैं। अब इसे हम इस कपड़े पर चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम को कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक पर पेस्ट कर दिया है। अब इसे ग्लू लेकर इस तरह से इसके एजेस को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो तीनों पीसेस को मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब कुर्ती के गले पर मैंने मिडल में एक लाइन ड्रॉ की है, उस पर इसे कुछ इस तरह से रखेंगे। अब हम इसे लाइन पर ठीक से मिलाते हुए अटैच कर लेंगे। तो यहां पर मैंने फर्स्ट पीस जॉइंट कर लिया है और अब दूसरा पीस जॉइंट करेंगे। तो उसके बीच में हम आधे इंच की गैप छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने तीनों पीसेस को स्टिच कर लिया है और अब यहाँ पर मैंने ये उरेब पट्टी काट ली है और इसकी इसे गले पर अटैच कर देंगे और इसकी पाइपिंग बनाएंगे। तो हमें कुछ इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर पट्टी को मैंने एक साइड अटैच कर लिया है। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और पाइपिंग बना लेंगे। और इस तरह से पतली सी पाइपिंग बनाते हुए उस पर हम
सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से यहाँ पर कुर्ती में बोट नेक तैयार हो चुका है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।